मध्य प्रदेश में 94% लोगों को लगा वैक्सीन का पहला डोज। 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए रोज लगाने होंगे 7,35,000 डोज। 8, 15 और 22 दिसंबर को चलाया जाएगा वैक्सीनेशन महाअभियान। शिवपुरी में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए उमड़ा शहर। बीजेपी समर्थकों ने आतिशबाजी से किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार शिवपुरी पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो मंच की कुर्सी नहीं होती, अगर सबसे बड़ी पूंजी होती है तो वो जन जन और कार्यकर्ता के साथ एक हृदय का प्यार का रिश्ता होता है। अनूपपुर में कांग्रेस का सदस्यता अभियान, सैकड़ों ग्रामीणों और किसानों ने ली सदस्यता। घर घर जाकर सदस्यता दिला रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता। वो 4 तारीख को आज ग्राम हरी में सदस्यता अभियान संपन्न हुआ और हमारे समस्त साथी आज से किसान कांग्रेस के सदस्य हुए हैं और मिलकर के किसानों के लिए लड़ेंगे और एकजुट होकर के न्याय के लिए सदैव लड़ते रहेंगे। जय हिंद जय भारत। पृथ्वीपुर के वार्ड नंबर 11 और 12 में बिजली और पानी के लिए तरसे आदिवासी। नगर पंचायत और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। आदिवासियों ने दी सड़कों पर उतरने की चेतावनी। रात में लाट नहीं हुई थी तो नहीं आज खेला थे कभी खेल नहीं पाए सुबह हमें उज्जैन में व्यापारियों ने कार्तिक मेला मंच और निगम कार्यालय के बाहर दिया धरना। आपसी सहमति के आधार पर निगम ने दी जुड़ा लगाने की मंजूरी। ₹7 करोड़ शासन का खर्च करके ये नक्शा है हमारे पास। सभी अधिकारी और उनके इंजीनियर वगैरह के हस्ताक्षर हैं। इसमें 18 जिलों को मंजूरी है। धार में भूमाफिया के खिलाफ अभियान जारी। 200 करोड़ की जमीन के घोटाले के मामले में FIR। पुलिस ने 13 लोगों को किया गिरफ्तार। देखिए मध्य प्रदेश शासन के भूमाफिया जो अभियान है उस अभियान की कार्रवाई की गई। सेंट टेरेसा कंपाउंड के मामले में FIR पंजीबद्ध की गई थी जिसमें करीब 26 लोग थे। सतना की रामनगर तहसील के किसानों ने दी जल सत्याग्रह की चेतावनी। कई महीनों से खराब हुए ट्रांसफार्मर को नहीं बदल रहा बिजली विभाग। सिंचाई नहीं होने से किसानों की फसलें सूखने का खतरा। खेती सूख गए, हमारा तबाह है। खेती से हम पल रहे हैं, हमारा पालन नहीं हो पाएगा। क्या करिए, आंदोलन करेंगे, क्या करिए, पंग राह पकड़ी। बताइए किसान क्या करे, सरकार से गुहार लगा रहा है और विभाग वालों को भी सूचना दे रहा है। अनूपपुर में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। रवि सिंह के नाम से हुई मृतक की पहचान। छत्तीसगढ़ के कोरिया का रहवासी था युवक। नरसिंहपुर के शहनाई गार्डन में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवती का शव। ब्लैकमेल कर रहा था युवक, परेशान होकर युवती ने की खुदकुशी। ब्लैकमेल कौन करता था ब्लैकमेलिंग? रोहित राजपूत। नहीं तो क्या इनके कोई संबंध वगैरह थे पहले से? क्या बातचीत होती थी, कैसा क्या लगता था? बातचीत होती थी, फोन करता था। छिंदवाड़ा में महिला को रोंदकर भाग रहा था ट्रक ड्राइवर। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में लगाई आग। भागने में कामयाब रहा ट्रक ड्राइवर। चित्रकूट में श्रद्धालुओं का वाहन हुआ चोरी। अब तक 4 गाड़ियां हो चुकी हैं चोरी। पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती के बीच हुई चोरी। हम आए थे काम भी जिला से, आए थे दर्शन करने के लिए। लड़के थे, आने के बाद यहां गए दर्शन किए, दर्शन करके लौट के आए तो हमारी गाड़ी मौके पर। रायगढ़ में करोड़ों की सरकारी जमीन का बड़ा फर्जीवाड़ा। राजस्व कर्मचारियों ने रसूखदारों के नाम की जमीन RI और पटवारी की मिली भगत से हेराफेरी।
भूमि स्वामी बताया जा रहा है। ये बड़ा फर्जीवाड़ा दिख रहा है, ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। निश्चित रूप से लाखों को लेन देन करके हल्का पटवारी और आरआई मिल करके शासकीय भूमि को नक्शा काट करके उनको भूमि स्वामी भूमि बताया जा रहा है। रायगढ़ में ट्रेलर ने बाइक सवार दो युवकों को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल हुए दोनों युवक, पुलिस ने ट्रेलर को किया जब्त। जिले में निजी स्कूल के प्रिंसिपल सहित दो बच्चे हुए कोरोना संक्रमित, कलेक्टर नम्रता गांधी ने स्वास्थ्य अधिकारी को 5-5 ग्राम पंचायत का क्लस्टर बनाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। छतरपुर की विंध्यवासिनी तलैया में नगरीय प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं ने चलाया सफाई अभियान। नगर पालिका सीएमओ ने कहा, रियासतकालीन धरोहर को सजोकर रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। कार्यालय में घुसकर कर्मचारी की पिटाई, वाटर सप्लाई काटने गए नगर निगम कर्मचारी को इलाके में मौजूद लोगों ने पीटा, वार्ड कार्यालय में घुसकर कर्मचारी की पिटाई। हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस, हाईवे से अतिक्रमण न हटाने का मामला, नगर निगम कमिश्नर और सीईओ को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस, हाईकोर्ट ने दोनों से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया। शहर में धारा 144 लागू होने के बावजूद भी शहर के हर इलाके में लोगों की भीड़ देखी जा रही है और लोग बिना मास्क पहने बेखौफ घूम रहे हैं। ससुर निकला विवाहित महिला का हत्यारा, गला घोटकर की थी हत्या, नीम के पेड़ से लटका मिला था शव। विवेचना के दौरान जो तथ्य आए उसके आधार पर मृतिका के ससुर का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट होना पाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी थाना पंडातराय के पुलिस के द्वारा किया गया है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आरोपी रिश्ते में मृतिका का ससुर लगता है और विगत कई समय से उनका आपस में विवाद चल रहा था और वर्तमान में भी ट्रैक्टर की खरीदी को लेकर भी एक विवाद हुआ था, जिसमें उनका कह रहा था कि बिना किसी सूचना के और मुझे बिना बताए ट्रैक्टर की खरीदी तुम लोगों ने की, और इसी बात पर वो जब महिला खेत में कटाई करने के लिए जा रही थी तो उसका पीछा करते हुए गया था, सुनसान जगह देखकर गला दबाकर। पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, एक युवक की घटनास्थल पर मौत, सभी घायलों को शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। गांव हाड़ी पिपलिया में कुएं से युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव निकालकर पीएम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। शनिचरी अमावस्या महापर्व पर जीवनदायिनी मां नर्मदा में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन की बहुत सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है, जिले से पर्याप्त बल यहां पर लगाया गया, लगभग 260 आदमी जो है निर्माण व्यवस्था में लगे हुए। सामूहिक रूप से युवक को पीट पीट कर मार डालने का मामला, परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से की गुहार, मामले की सही तरीके से जांच की मांग की। प्रशासन ने कहा था कि हम 3 दिन के अंदर में सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लेंगे, कार्रवाई अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी तक केवल 3 लोग पकड़ाए हैं, आज 15 दिन हो चुका है और जिस प्रकार से बाकी के जो अभियुक्त हैं उनको या तो पुलिस प्रशासन अपनी लापरवाही से उसको बचाना चाह रही है या फिर ये जो कार्रवाई करने में हीरा हवाला कर रही है, इसलिए हम लोग उनके माता पिता जो है वो आए हुए हैं और गांव के साथ में उनके साथ में जो साथी लोग थे उनको भी मारा पीटा गया था, वो भी आए हुए हैं ताकि एसपी साहब को बता सकें कि सही जांच हो।